ये भी सवाल था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये अपॉर्चुनिटी है कि आप एक लिविंग विल एक पेशेंट लिख सकते हैं जब वो सेहतमंद हो तो इसके मुताबिक क्या है कि वो फिर उस सेहतमंद हो जब वो लिख सकता है वो तो ठीक है, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि तुम्हारी जो विल जो है मसलन, अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी वगैरह या इनहेरिटेंस का तुझसे ताल्लुक़ रखने वाली विल है, उसमें तो अल्लाह ताला ने बरकत उसी में डाली और उसी में सवाब है कि जो अल्लाह ताला कहता है शरी हिस्से हर एक के तुम्हारे वारिसों के वो दिए जाएं। ठीक, अगर उसके ख़िलाफ़ कोई करके देता है तो गो मसलन बच्चों में से किसी बच्चे को ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, किसी को ना दिया, विल में लिख दिया, इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। ठीक, लेकिन साथ ये भी कहा है कि बच्चों का कोई हक नहीं कि उनकी ज़िंदगी में जो होशोवास में उन्होंने लिखी होती है तो वो मुकदमा करें अपने माँ बाप पे। ठीक, इसे भी मना करता है। और अल्लाह मियाँ अगर उसने गलत किया है तो उसका गुनाह उसके सर, वो अल्लाह ताला उसको आप ही मरने के बाद संभाल लेगा। बाकी मैं इस तरह में झगड़े भी पैदा होते हैं और आंसर ने भी एक बड़े वाज हदीस है सुना पसंद किया है। हाँ, जो वसीयत है, एक इंसान वसीयत भी तो करता है ना, वो भी उसमें लिखा होशोहवास में कर रहा हूँ, और अगर वसीयत करके जाता है कोई तो 1/3 हिस्से तक की आँ हज़रत सल्लम ने इजाज़त दी है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, 1/3 कर सकते हो। ठीक, और वो भी जो तुम्हारे डायरेक्ट हेयर्स हैं वारिस हैं उनको नहीं कर सकते। ठीक, गैर दूसरों को कर सकते, इसलिए जमात में वसीयत का निज़ाम है वो सिर्फ 1/3 तक की इजाज़त देता है, इससे ज़्यादा नहीं, ताकि बीवी बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ के जाए इंसान। ठीक, जी, मेरा लिविंग विल से मेडिसिन के हवाले से सवाल था कि वो जब वो सेहत की हालत में, मेडिसिन के हवाले से ये सवाल था, अगर सेहत की हालत में एक विल कर देता है और उसके बाद वो दिमागी हालत ऐसी हो जाती है और उस लंबी ज़िंदगी है तो उसकी वो जो विल है वो ऑनर होगी जो उसने सेहत और सलामती की हालत में की थी, दिमागी सेहत की हालत में की थी। अगर दिमागी हालत ख़राब होगी और उसमें कोई उसको फोर्स करके उस पर कोई दस्तखत करवा लेता है उस हालत में, और मेडिकली प्रूव्ड हो जाता है कि इस वक्त ये दिमागी हालत इसकी सही इतनी नहीं थी कि होशोहवास में होता, और किसी ने उनके बच्चों में से या किसी ने फोर्स करके या किसी की तरह फोर्जरी करके या करके उसको करवा लिए दस्तखत उससे, तो वो इनवैलिड हो जाएगी, वो पहली विल जो है जो सही हालत में की है वही रहेगी कायम। यही सवाल है ना? जी, यही सवाल था तो जी। जजाकल्ला। चलो।